और यदि अजीर्ण है तो उसकी चिकित्सा करेंगे। चिकित्सा करने के बाद फिर पाचन करेंगे, वमन करेंगे, निरीपण करेंगे। विरिक्तता हो तो पाचन है, अग्नि थोड़ा सा मुद्दा होगा। अब अग्नि परीक्षा करेंगे, समय हुआ है या मंद है, कैसे करोगे, कैसे करोगे उसको लेंगे और लंघन के बाद देखेंगे कि विधि युक्त आहार मात्रा युक्त आहार नित्य हितकर सेवनीय सात्म्य आहार देकर उसकी परीक्षा करेंगे, अग्नि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए जितने भी परिणाम है, परिमाण है, उन सब का पालन करते हुए उष्णमस्नीयात, स्निग्धमस्नीयात, जीर्णमस्नीयात, सात्म्यमस्नीयात, वीर्य अविरुद्धमस्नीयात, ये जो पांच है, वैसे आठ है, अजल्पन आहासन, अजल्पन आहासन, इष्ट देशे इष्ट मित्र, वो ठीक है, वो गौ है, लेकिन उसका ही पालन होना चाहिए। तो आहार विधि का पालन करते हुए भोजन करो, अध्यक्षण मत करो। भूख लगने के बाद काल, मैंने आपको काल बताया भोजन का, याद है, प्रसुष्टे विन्मूत्रे उर्दिशुन्मले अष्टामुदय सूत्रस्थान अध्याय आठ अंतिम श्लोक, इन लक्षणों की उत्पत्ति होती है तो भोजन करना है, नहीं तो नहीं करना है। यदि इसके पहले करोगे तो वो क्या करेगा, पुनः अनुत्पत्ति करेगा, आहार विदग्ध करेगा, सामोदोष करेगा, इसलिए वो अवस्था आने तक भोजन नहीं करना है। मेरे पास आना है, मैं बताऊंगा भोजन करना है कि नहीं भोजन करना है, नहीं तो मुझे फोन करो। ये लक्षण में से कौन सा लक्षण अभी उपस्थित है, कौन सा नहीं है, उसके बाद भोजन करना है। और फिर वो भोजन करने के बाद दोपहर में सोना नहीं है, पानी भोजन के साथ पीना है, भोजन की मात्रा वन थर्ड खाली रखना है, और फिर सायंकाल को जब तक भूख नहीं लगती तब तक कुछ नहीं खाना है, इतना समझा कर उसको खाना खाने की अनुमति देना है। और वो ये जो खाना हुआ विधिपूर्वक, ये यदि सायंकाल तक ठीक ढंग से पचता है बिना किसी कष्ट के, नो गुड़गुड़, नो अधमान, नो शूल, नो अविपा, नो अरुचि, भूख लगी है, शाम में भोजन करोगे, ये इतना होता है तो अग्नि कैसे है, यदि इसमें प्रॉब्लम आता है तो अग्नि मंद है। अब आपको अग्नि दीपन की प्रक्रिया करनी है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, आया पेशेंट, लक्षण देखते हैं, औषध स्वरूप मंजिष्टाधिपात कैश्वर गुप्त, ऐसे करते हैं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, चरक चिकित्सा 15। अब जो निकाला था वही श्लोक, दाहं तृष्णां मुखामयान्, उनको नंबर दो, पेज नंबर 517, श्लोक नंबर 47। तो
संसृज्यमानं देव दाहं तृष्णां मुखामयान् जनयति अम्लपित्तं च पित्तजांश्च पित्तजान् बहुवचन है पित्तज उसका रावः रामो रामः रावं रामो रामः पित्तजः पित्तजौ पित्तजा बहुवचन है जितने भी पैतृक विकार है वो सब करने वाला है दो तीन बताए मुखामया अम्लपित्त वगैरह मुखा में क्या है मुखपाक है दंत शोख है दंत विद्रधि है शोथ है कंठशोथ है टॉन्सिल है टॉन्सिलाइटिस है फेरेंजाइटिस है लैरिंजाइटिस है ये सब उसमें आ गया मुखामया ये सब आ गया उसमें यदि आपके पास मुखपाक का पेशेंट भी आया तो आप क्या करोगे पहले अजीर्ण है क्या विधि युक्त आहार है क्या विधि विरहित आहार है क्या ये देखेंगे राइट यदि आप विधि युक्त आहार को परिवर्तित करके देख कर ठीक होता है तो हो गया काम अग्नि में बंधन नहीं है पेशेंट भी ठीक है लेकिन जब तक विधि आहार पर आप ये विधि दुरुस्त करके नहीं देगी तब तक वो होते रहेगा तब तक व्याधि चलते रहेगा राइट एक पेशेंट मेरे पास आया मुखपाक ठीक होता ही नहीं है बी कॉम्प्लेक्स के कितनी डब्बी गोलियां खाए कितने इंजेक्शन लिए एंटीबायोटिक लिए मेरे पास आया मैंने कहा दिनचर्या बताओ क्या क्या करते हो दिन भर बताया उसने सुबह उठ के दो लोटा पानी पीता हूँ बस और कुछ नहीं मिला इतना ही था दिन में सोना नहीं कुछ नहीं मैंने इतना बंद करके आठ दिन के बाद फोन करूँ मुझे आठ दिन के बाद उसका फोन आया ठीक हो गया अगर दोबारा गलती मत करो नहीं की दो साल के बाद मुझे मिलने आया सर बोले क्या है आपका आपने सिर्फ पानी बंद कर दिया मेरा मुखपाक गया तो आज पर फिर कभी आया नहीं है पानी का उसका संबंध क्या है क्या संबंध है पित्त के द्रवण को बढ़ाता है आम पित्त का संसर्ग द्रव स्नेहमा बढ़ गया द्रवगुण से पित्त बढ़ गया और उसको संसर्ग किसका हुआ अग्निबंध होने कर रहे आम का ये रोज अग्निबंध कर रहा है उतना बंद कर दिया मैंने अपने आप हो गया राइट इसलिए मुखामया कभी कभी पेशेंट आते हैं मसूड़े दुख रहे हैं मैं कहता हूँ क्या करोगे शुंठी चूर्ण लो और गोले गिलो चूर्ण लो और पानी बंद करो सुबह का दूध बंद करो दिवसा बंद करो ठीक हो जाता मैंने चिकित्सा किसकी की दोषों की हेतु बंद कर दिए ये अग्नि बंद करते हैं ये अमरोष उत्पन्न करते हैं फिर ऐसे व्याधियां होते हैं पित्तजांश अपरांग गदा समझ में अपरांग गदा में क्या आता है सारे सभी संतर्पण जन्य व्याधि आते हैं सभी निकालिए संतर्पण अपतर्पण संतर्पण ही अध्याय चरक सूत्रस्थान अध्याय 21 या 22 नहीं संतर्पण उससे पहले क्या करवा रहे अष्टम नहीं संतर्पण 23 अब ये रोग पढ़ो संतर्पयति यः स्निग्धैः मधुरैः गुरुपिच्छिलैः नवान्नैः नवमध्यैश्च मांसैश्च अनुपवारिजैः गोरसैः गौडिकैः च अन्नैः
पैष्टिकैः च अतिमात्रशः. नंबर बताओ श्लोक नंबर. श्लोक नंबर 122. श्लोक नंबर 3. श्लोक नंबर 3. हां पढ़ो. चेष्टा द्वेषी दिवा स्वप्ना स्वप्न शय्यासन सुखेरतः रोगाः तस्य उपजायन्ते संतर्पण निमित्तजः. प्रमेह पीड़का कोठ कंडु पांडवामय ज्वरः कुष्ठानि आम प्रदोषश्च मूत्रकृच्छ्रम अरोचकः तंद्रा क्लैव्यम अतिस्थौल्यम आलस्यम गुरुगात्रता इंद्रिय स्रोतसाम लेपो बुद्धेर मोह प्रमीलकः शोफश्चैव विधाश्चान्येम शीघ्रम अप्रतिकूर्वतः. शीघ्रम अप्रतिकूर्वतः उसमें आम प्रदोष जारी है. शब्द है ये भी संतर्पण है. सभी संतर्पण जन व्याधि आम प्रदोष हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त इन हेतु से अजीर्ण हो सकता है और वो अजीर्ण आम प्रदोष है वो भी व्याधि कर सकता है. यानी संतर्पणोत्तर व्याधि का कारण एक ये हेतु है, दूसरा आम प्रदोष है. हम पढ़ रहे हैं कि संयुक्त संसुज्यमान पित्तेन जनयंती पित्त जान गदान विसर्प कुष्ठ उदरद शीतपित्त वा व्यंग नीलिका कामला विद्रधि शोथ सब कुछ हो. इसलिए किसी भी पेशेंट को आने के बाद पहले क्या लिखना है? अजीर्णक है क्या? अजीर्ण के हेतु है क्या? अग्नि कैसा है? यदि अजीर्ण का होने के बाद अग्नि परीक्षा करेंगे, विधि बताया मैंने आपको, विधि पूर्वक आहार भोजन करेंगे, मात्रा में करेंगे और सायंकाल में कितने घंटे में हाजत परिवर्तित होता है. परिणमन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड़गुड़ाहट नहीं है, अधमन नहीं है, अनाह नहीं है, उरोदाह नहीं है, शूल नहीं है, तंद्रा नहीं है, शिरशूल नहीं. अभिप्राय क्या है? अग्नि सम है. ये करना है या नहीं करना है? ये करते हैं क्या आप हम पेशेंट में? नहीं ना. आया पेशेंट क्या शिरशूल सूत से कर विचर्चिका मंजिष्ठक बात. मूल कारण क्या है? अग्नि दृष्टि और उसके हेतु. उसके ओर ध्यान ही नहीं है हमारा. सालों साल चिकित्सा चल रही है, सालों साल. फिर पेशेंट क्या कहते हैं बोला? मैंने बोला आयुर्वेदिक दवा लेकिन हाँ सर 5 साल से ले रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा. कौन जिम्मेदार है? आयुर्वेद जिम्मेदार. आयुर्वेद है और उसके बाद में जब मैं कहता हूँ कि और दूसरे आयुर्वेदिक के वहाँ चलो मैं दूसरे डॉक्टर का नाम बता दूँ कुछ नहीं बोले वो सब सब जैसी चीज सब पैसे निकालते कुछ करते नहीं है. कोई ठीक नहीं कर रहा. 4 डॉक्टर बदले मैंने आयुर्वेद के, किसी ने ठीक नहीं किया मुझे. कौन जिम्मेदार है इसके लिए? समझ में. और मैं इनको बिना कुछ किए ठीक कर देता हूँ. बिना कुछ किए हेतु बन करो, अग्नि दीप्त करो, फिनिश. इसलिए मैं आपको जोर से कह रहा हूँ, विद फुल कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ, ये करना है आपको. समझ गया? अगे कफजान कफसंगतम. कफजान कफसंगतम मूल 15 चरक चिकित्सा 15 मूल अध्याय. यक्ष्म पीन स मेहादि 15 पेज नंबर 5 7 उसमें कुछ ये रखो चिन्ह रखो बार बार कष्ट न पड़े इसलिए. हाँ एक कागज का टुकड़ा रख दो. यक्ष्म पीन स मेहादि यक्ष्म पीन स मेहादि कफजान कफजान भक्ति कौन सी है? कौन सी? कफज रामः रामौ रामः रामं
रामो रामान का फजा कौन सी विभक्ति है? द्वितीया बहुवचन है, यानी अर्थ क्या हुआ? जितने भी श्लेष्मा के विकार है वो हो सकते हैं, कब? यदि आम प्रदोष लेष्मा से संलग्न होता है तो। आप नहीं देखोगे इसमें कई बार श्लेष्मा बढ़ा हुआ नहीं है, श्लेष्मा अपनी मात्रा में है लेकिन आम प्रदुष्ट होने से व्याधि करता है, उसकी वृद्धि नहीं है, उसके हेतु भी नहीं है लेकिन हो रहा है। आर यू गेटिंग? श्लेष्मा के ही प्रकोप के हेतु नहीं है लेकिन श्लेष्मा कुपित हो रहा है। क्यों हो रहा है? संसृज्य मानम कफेन, कौन संसृज्य हो रहा है? ऊपर की पंक्ति में घोरम अन्न विषम चतत है पंक्ति, वहां पर ऊपर के श्लोक में घोरम अन्न विषम चतत है, छापड़ लगा वरचा श्लोकात खालून दूसरी ओर घोरम अन्न विषम चतत है ना, इसका संसर्जन होता है किसके साथ? श्लेष्मा के साथ। व्याधि क्या करता है? तीन अस प्रतिष्ठा कास श्वास शिरोदा शिरोभिता इंद्रलुप्त साइनोसाइटिस, सब व्याधि हो, फेरेंजाइटिस लैरेंजाइटिस कान फूटना कान में से पी पाना मुखपाक सब हो, अरुचि होगी, नेत्र रोग हो गए, कफज अभिशंद होगा, शुत्र होगा कफज, यानी जितने भी श्लेष्मा के विकार है वो होने वाले हैं यदि बार बार अजीर्ण होता है तो। उदर होगा, विचर्चिका होगी, सोरेसिस होगा, मुखपीड़िका होगी, इंद्रलुप्त होगा, केशपतन होगा, डंड्रॉप होगा, सब होगा, संसद जवानम कफे, राइट? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, कुछ पता नहीं हमको। आया पेशेंट, डंड्रॉप के लिए तेल कितने, घी कितने, दवाइयाँ कौन सी, बिना आयुर्वेद समझे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, करोति वात संसृष्टम वातजांश्च गदान बहून। वातजांश्च गदान कौन सी विभक्ति है? द्वितीया बहुवचन। जितने भी वात व्याधि बताए हैं 80 और अनुक्त 48 सामान्य ज व्याधि, 80 वातज व्याधि अनुक्त कुछ समझ लो, और ये सभी व्याधियाँ यदि आम प्रदोष वायु से संसृष्ट हुआ तो होने वाले हैं। आपको दिखेगा पक्षाघात, आपको दिखेगा स्यूडोमस्कुलर हाइपरट्रॉफी, आपको दिखेगा प्रोग्रेसिव मायोपैथी, आपको दिखेगा मायोसाइटिस, आपको दिखेगा अर्दित, आपको दिखेगा ट्रैजिबल न्यूरोजिया, आपको दिखेगा रुद्रसी, आपको दिखेगा पिंडिको द्वेष्ट, आपको दिखेगा अमोवा, आपको दिखेगा खंज,
साखर टाकू ना मग काय टाकू साखर टाकून साखर टाकून साखर डबल लागते डबल नका टाकू पण नाही डबल नाही टाकायचं आणि फ्रीज मधलं पाणी नको डायरेक्ट फ्रीज मध्ये पाणी नको मीडियम पाणी मी कवर्ड मे गुलाबी डब्बी ऐश्वर्य काल म्हटलं होता मी म्हणलं नको आज किती वाजता येणार आहे विचारते फोन करून मी आलो म्हणून सांग हो सांगते आणि ओंकारला पण मी सांग आलो काय ओंकार सर ओंकारची परीक्षा चालू त्यामुळे कितने व्याधी हो सकते हैं इतनी उम्र संसुज जवान बात है कौन संसुज हुआ हम प्रदेश वो क्यों हुआ बार बार अजीर्ण हो रहा है अजीर्ण क्यों हो रहा है एक तो अग्निमंद है या तो अपचार हो रहा है इट क्लियर पक्का या फिर बोल रहे हैं कंफ्यूजन हम क्या करते हैं पक्षाघात मस्ती अनुवासन निरोध स्यूडो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी भी ठीक होती है जीबी सिंड्रोम भी ठीक होता है मायोसाइटिस भी ठीक होता है प्रोग्रेसिव मायोपैथी भी ठीक होती है बशर्ते आपको ये समझना आवश्यक है राइट भले ही मॉडल को कहने दो नहीं होता है असाध्य है कहने दो उनको रखो यहां देखेंगे प्रयास करके ये मत को मैं गारंटी से करता हूं प्रयास करेंगे रखो यहां पर प्रयास करो ठीक होते हैं समझे क्या देखना है आपको अग्निमंद क्यों होता है उपचार से होता है अजीर्ण या तो अग्निमंद होता है राइट समझ में है आगे सर हर जगह जब भी सीक्वेंस आता है तो वात पित्त कफ का होता है तो यहाँ ऐसे पित्त कफ वात ऐसे अजीब सी फालतू क्वेश्चन है इसके कोई संबंध ही नहीं है मुझे लगा पित्त के सब इन्फ्लेमेटरी मतलब पित्त के सारे इन्फ्लेमेटरी कॉजेज है ना जो एजिंग की तरफ जल्दी लेके जाते हैं या फिर डिस्ट्रक्शन तो मुझे लगा शायद ऐसा कुछ कोई संबंध नहीं है कोई संबंध नहीं है इतना ही है कि जो पहले होता है वो पता है पहले कहा होगा पित्त का होगा स्थानिक है तो पहले उसका वर्णन कर दिया दूसरा कपज होगा वो उसका वर्णन कर दिया अब तीसरा वातन है केवल इसका नहीं है वो पूरे शरीर का है पहले यहां प्रारंभ होगा अवश्य इसलिए क्रम रखा क्रम उनकी इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है कोर आत्मा क्या है उसका चलो चलो आगे बढ़ो और हमें आदत लग रही है कि जिनका कोई चिकित्सा में संबंध नहीं है ऐसे प्रश्न निर्माण मन में करना उसके उत्तर खोजना एक पेशेंट स्टूडेंट आए अतिसार हो गया चिकित्सा ग्रहण की करो या पित्त का करो पित्त की करो मैं बोला कौन सी क्लास में पढ़ती हो सेकंड ईयर में अपने सर को पूछो हाँ तो यार कोई संबंध नहीं है समझा कुछ भी नहीं वाइकिंग होना चाहिए क्यों होना चाहिए कहां पर जिसका लाभ चिकित्सा में होने वाला है जहां चिकित्सा में लाभ नहीं कुछ भी नहीं सवाल प्रश्न करके समय क्यों बता रहा आपने
एक प्रश्न ने एक ने मुझे पूछा, कौन था आंध्रा का कोई स्टूडेंट था, मुझे शुक्र पे काम करना है, मैंने क्यों बाकी खसवा विषय समाप्त हो गया क्या, नहीं मुझे उस पर करना है, मैंने करो मैं नहीं कुछ बताऊंगा, बाकी इतने प्रॉब्लम पड़े हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं आपका, अपने आप ही स्टूडेंट था एक बेवकूफ था, उसको एमबीए नहीं होने दिया मैंने, परीक्षा बढ़ने दिया नहीं उसको, बेवकूफ, मुझे शुक्र पे काम करना है, करो जो जितना आवश्यक है और बाकी चीज़ें समझनी है वो नहीं समझेंगे, अनावश्यक बातों पर चर्चा करते रहेंगे। मूत्र रोगांश मूत्रस्थम तुक्षी रोगा, फिर से पढ़ो, मूत्र रोगांश मूत्रस्थम, मूत्र रोग कितने हैं, मूत्र कृष्ण 8 प्रकार के हैं और उसपे भी भेद भेद है, भिन्न भिन्न प्रकार के वातज पित्तज कफज सन्निपातिक और स्थानानुरूप, कई है जिसका वर्णन नहीं, ऐसे भी है, फॉर एग्जाम्पल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वर्णन नहीं है, हम उसको वातपित्त कफ में मानते हैं, पुरुष मूत्र कृष्ण ही कहते हैं उसको, मूत्र कृष्ण वातपित्त कफ है, ऐसे कई मिलेंगे आपको, उन सब का समावेश होता है अश्मरी प्रदोष, मूत्र शर्करा प्रदोष, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट प्रदोष, जितने भी व्याधि है सब हो सकते हैं प्रदोष, मूत्र कुछ आया वीर वरुण अधिकवात कोक्षुर को गुड़ ठीक है करना चाहिए, लेकिन मूल कहाँ है ये समझ में नहीं आता है, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, मैं आपको बताऊँ किससे बताऊँ, एक पेशेंट एडमिट हुआ, पेन टेंडरनेस मूत्रदाह, रात में पेन हुआ सीवियर टॉसिंग इन द बेड, एडमिट किया आईवी लगाया एक्सरे निकाला इंट्रावेनस पायलोरोफी की, कुछ नहीं निकला, फिर वो पेशेंट मेरे पास आया, मेरा कर्मचारी था, डायरेक्टर था वो मेरा कर्मचारी था, तो ऐसा सब हुआ रात में, मैंने क्या हुआ डायग्नोसिस, वो हुआ ही नहीं बोले कुछ नहीं है बोले, मुझे रात भर परेशान था यूँ इधर के उधर घूम रहा था, सुबह ठीक हो गया मुझे डिस्चार्ज दे दिया, गए बोले मैं 2,700 रुपये गए, मैंने उसको कहा भैया सुबह का नाश्ता बंद कर दे और कुछ मत कर, और थोड़ा वही पत्ती कर ले लो, थोड़ा शौंठी और ये खाते रहो, आज तक दोबारा कभी हुआ नहीं, ये क्या था, ये मूत्र शर्करा थी, मूत्र शर्करा यानी पत्थर के टुकड़े बारीक बारीक, क्या कहते हैं उसको आप, क्या कहोगे, वालों का वैसे रेत बारीक बारीक के टुकड़े बनते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, पार्थिव अंश जो है शरीर में है, पार्थिव अंग तो कौन से हैं, श्लेष्मा में है, पित्त में है, अन्न में है, ये पार्थिव अंश को सावावस्था आ गई तो वो रह चिपक के रह जाते हैं, बढ़ते हैं बड़े होते हैं, अब सब अवस्था बंद कर दो कुछ नहीं होगा,
इसका वर्णन लिख लो कहाँ पर है। इसका वर्णन मॉडर्न मेडिसिन में कैल्शियम ऑक्सीलेट फॉर्मेशन, कैल्शियम ऑक्सीलेट फॉर्मेशन में आया है पेन इन एब्डोमेन और कैल्शियम ऑक्सीलेट क्यों फॉर्म होते हैं। उन्होंने लिखा है कि आप जो भी कैल्शियम खाते हैं वो यदि उसमें पेट में फर्मेंटेशन हुआ, यानी क्या हुआ, सूक्ष्मतत्व आए, तो उसका कैल्शियम ऑक्सीलेट फॉर्म होता है और ये कैल्शियम ऑक्सीलेट नोकीला होता है, ये एब्सॉर्ब होता है और रीनल सिस्टम में कहीं ना कहीं रुककर पेन करता है, पानी पियो या निकल जाता है। छोटा होने के कारण दिखता भी नहीं, रेडियोग्राफी में सोनोग्राफी में दिखता नहीं है, लेकिन पेशेंट तो परेशान होता है हर पंद्रह दिन में होता है। फिर सब करते हैं, इंटरवेनस पैरोग्राफी, असेंडिंग पैरोग्राफी, एक्सरे वे सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके ओर ध्यान नहीं देते हैं। अश्वरी भी अमुक प्रदोष है, सभी प्रकार के मूत्र भी अमुक प्रदोष से होते हैं। ठीक है, आपने जो संदर्भ देखा था याद है, सुश्रुत निदान स्थान में अश्वरी संदर्भ मैंने दिया था, अमुक प्रदोष याद है, सुश्रुत निदान स्थान अश्वरी अध्याय। ग्यारह नंबर का श्लोक अध्याय थ्री निदान थ्री 278 पेज नंबर 278 श्लोक नंबर 11 प्रायेण एताः प्रायेण एतास्ति श्रोताश्मर्यो दिवास्वप्न समशना अध्यशन शीतस्निग्ध गुरु मधुर आहार प्रियत्वाद विशेषेण बालानां भवन्ति। अभी हेतु क्या दिए हैं, दिवास्वप्न, दूसरा समशन, तीसरा अध्यशन, चौथा शीतस्निग्ध गुरु मधुर, अध्यशन आ गया, आ गया। अभी अध्यक्षण चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, भोक्षुर गोगुर वर्णाधिपत, ये नहीं बन कर रहे, क्या संबंध है। पेशेंट भी पूछता है सब मुझे अश्वरिया, आप ये क्या बता रहे हैं, मत खाओ मत खाओ, मुझे ऐसे कुछ बताओ को अश्वनी के टुकड़ों के निकल जाए, राइट। उसका गलत नहीं है, उसको अकल नहीं है, हमको भी अकल नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, मॉडल वाले क्या कहते हैं, यदि किसी को बार बार होती है अश्वरी तो आपकी टेंडेंसी है। एक सर्जन हमारे मित्र थे,
स्वयं सर्जन, उनको अश्विन दो बार ऑपरेशन किया, फिर हुआ, कहने लगे यार क्या है ये टेंडेंसी हो गई मेरे को, कुछ करो। मैंने कहा सर सुनोगे क्या, सुनूंगा बोले अब क्या करो, नॉन वेज खाना बंद करो, अंडे खाना बंद करो, बस हो जाएगा इतने से, क्या संबंध है, मैं पता नहीं हुआ फिर कभी। इतना जब सुश्रुत लिखते हैं, उन्होंने कोई देखा नहीं कभी, पेशेंट देखे नहीं, अध्ययन किया नहीं, मन में आया लिख दिया, ऐसे हुआ है ना। चलो मूत्र कुश हो गया, और मूत्र रोगाश्रम मूत्रस्थम कुक्षी रोगान शकृद्गतम शकृद्गतः कुक्षी रोगान अर्श प्रवाहिका गुदपाक विद्रधि अपेंडिसाइटिस परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन ग्रंथि गुल्म शोथ आयोजन सब जो भी आएगा, वन ऑफ द कॉज इज अनुप्रदेश, राइट। और अनुप्रदेश का कारण क्या है, या तो अग्नि बंद है या तो अपचार, राइट। आगे रसादि भिश्च संसृष्टम कुर्याद रोगान रसादिजन रसादिजन संसृष्टम रस में नष्ट होगा, रस प्रदोष व्याधि क्या करेगा, ज्वर प्रमेह स्थौल्य कार्य रुद्रोग हो गया, शोष यक्ष्मा सब चिकित्सा किस करोगे, पहले देखोगे ना कहीं अग्निविष्ट तो नहीं है, अजीर्ण तो नहीं है, श्रोतरोग तो नहीं हो रहा है। ये कल्पना मन में से निकाल दो कि ये रोग और ये औषध है, ये निकाल दो, इट इज नॉट आयुर्वेद, कैटलॉग नहीं है, डायग्नोसिस आ गया मॉडर्न मेडिसिन का करके हुए, उसने लाया फाइल लाया और आपने फिर फाइल लेकर क्या लिखा है, ड्यूओडेनाइटिस आयुर्वेद में क्या लिखा है, शुद्ध शिखर, यह आयुर्वेद नहीं है, कुछ समझ में आ रहा व्हाट इज आयुर्वेद। और ये नहीं होने के कारण लोग कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड नहीं है, क्यों आपको ये बता रहे हैं अमनोपित्त के दवा सुध से करें, ये आप बता रहे हैं उसको और इसलिए एविडेंस मांग रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं आर्थराइटिस के गूगल चलता है, आप बता रहे हो वो एविडेंस मांग रहे हैं, और ये वास्तव ही नहीं है। वास्तव क्या है, हमारी चिकित्सा दोषों की होती है, रोग की नहीं होती, ये हम बता ही नहीं पा रहे हैं, और ये एविडेंस बेस्ड है, दोष ठीक करने से रोग ठीक होता है, ये एविडेंस बेस्ड है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, मेडिसिन। और स्टडी उस पर कर रहे हैं मेडिसिन पे, अमवात में बुक अमरवित में सुध से कर, अश्वरी में बुक समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग, ये पीएचडी कर रहे हैं इस पर, पीएचडी आयुर्वेद समझे नहीं,
हो गया रसयान रसंगन रसादि जाना है ना, तो रसादि के बाद क्या आता है रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो आप किस व्याधि में छोड़ेंगे आम को, किस व्याधि में आप आम विष को छोड़ेंगे, एक को छोड़ के बताओ ना मेरे को, ये या कोई संबंध नहीं इसका। आया ध्यान में? इसलिए अब गृहिणी इस अध्याय का पहला श्लोक निकालो, तीन नंबर का, हाँ पहला आयुर्वर्णो 512 आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचय बल उपचय स्वास्थ्य प्रभा ओजः तेजः अग्नेयः प्राणः देहाग्नि हेतु का। आपकी आयु किसके आधार पर है? देहाग्नि के आधार पर। आपका बल किसके आधार पर है? देहाग्नि। आपके धातु किसके आधार पर है? देहाग्नि। और हम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन खा रहे हैं देहाग्नि को बिना देखे। ये एविडेंस बेस्ड है। उसके नीचे का श्लोक, श्लोक नंबर 5 यद् अन्नम देह धातु ओजो बल वर्णादि पोषकम तत्र अग्नि हेतु आहार अन्न ही अपक्वाद रसादय। अभी इस श्लोक को अन्वय लगा लो। यत अन्नम देह धातु, देह धातु ओज बल वर्णादि पोषकम, जो देह यत अन्नम जो अन्न देह धातु का पोषक है, ये पहला वाक्य हुआ। यानी अन्न देह धातु का पोषक है, ये पहला वाक्य हुआ। अब दूसरा वाक्य थोड़ा कठिन है, वो लिख लो। पढ़ो, तत्र अग्नि ही हेतु। आहार से बनता ये ठीक है, प्रोटीन से बनता ये ठीक है, लेकिन तत्र प्रोटीन को पचाने का काम कौन करने वाला है? अग्नि। तत्र हेतु अग्नि ही, हेतु यानी साधन। कौन साधन है अन्न पचाने का? अग्नि है। ये दूसरा वाक्य। तीसरा, नहीं अपक्वात आहारात रसादयः, नहीं अपक्वात आहारात रसादयः, क्या अर्थ है इसका? न नहीं है, नहीं कि नहीं हिंदी में जो आया ना यहां से आया है, नहीं वो केवल न है, लेकिन नहीं कहने की आदत पड़ गई, नहीं यहां से पड़ गई, नहीं अपक्वात। समझ गया अपक्वात का अर्थ? ये किसका विशेषण है? आहार, अपक्व आहार से नहीं नहीं बनने वाले कौन? रसादया। रसादया में कौन कौन आता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, और उपधातु, और जिनके गणना की नहीं है ऐसे प्रसाद वाक। जिनकी गणना नहीं की, नसी का गणना नहीं की है, ओज की गणना नहीं की है, ऐसे बहुत है। जैसे मैं रसादया का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, धातु उपधातु प्रसाद वाक जिनका वर्णन किया नहीं है, नाम उल्लेख नहीं है, अस्तित्व है,
ऐसे अपरिसंख्य भाव शरीर में है जो काम करते हैं। जो स्थूल है हमने बता रही है, बहुत सूक्ष्म है वो नहीं बता रहे, असंख्य है ये शरीर के निर्माण में काम करते हैं। उनका नामकरण हमने नहीं किया है लेकिन शरीर में है। जैसे पुरुष में स्तन होते हैं, है? फिर बढ़ते क्यों नहीं? श्रोतस एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि श्रोतस एक्टिवेट करने वाला कोई भाव पदार्थ है जो पुरुषों को शरीर में नहीं है, वही महिलाओं में है। समझ में आ गया अंतर? वर्णन नहीं किया है। वो कौन है? हार्मोन है? है? ये भी बनाना है तो क्या आपको जन्म के बाद इंजेक्शन दिया है किसी ने? आपको हार्मोन दे रहा हूं किसके लिए? नहीं है शरीर में, दे रहे हैं। ऐसा होता है नहीं ना? इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में अस्तित्व है लेकिन ठीक बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? नहीं अपकवाद आहार रसा रहे हैं तो शरीर में हार्मोन प्रोडक्शन नहीं है, इंसुलिन ठीक नहीं हो रहा है। चिकित्सा कैसे हो रही? इंसुलिन दोगे? नहीं, अग्नि का जिक्र करेंगे। तत्र हेतु अग्नि शरीर में है ना, नया उत्पादन तो नहीं करना है ना शरीर में, सिस्टम तो है ना, वो क्यों नहीं कर रही है? या हर व्यक्ति को अफ्टर पर्टिकुलर एज हार्मोन दिए जा रहे हैं? चलो आपको आप हार्मोन देते हैं अब आप बड़े हो गए, ऐसा कर रहे हैं? नहीं ना। चलो आप अभी हुए, आपको अभी B12 दे रहे हैं, खून बनाना है शरीर में, अब आपको फॉलिक एसिड दे रहे हैं, खून बनाना है, ऐसे हो रहा? क्यों? आपको कैल्शियम दे रहे हैं, पोटेशियम दे रहे हैं, मैग्नीशियम दे रहे हैं, क्यों ऐसा करते? अर्थ क्या हुआ इसका? शरीर में इनका अस्तित्व सिस्टम श्रोतस है। यावंतो मूर्तिवंतो भावः तावंतो देहे श्रोतांशी। शरीर में जितने मूर्त भाव है उनके श्रोतस है। तो क्या आपके पास हार्मोन के श्रोतस नहीं है? क्या आपके पास फॉलिक एसिड के श्रोतस नहीं है? क्या बीटर के श्रोतस नहीं है? क्या इंसुलिन के श्रोतस नहीं है? हर एक को नया नया देना है अफ्टर पर्टिकुलर एज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शरीर में ये संस्था है, नहीं अपकवाद आहार अर्थ समझ के रसा दया का पीसीओडी हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गए, हार्मोन दो होता है लड़का? नहीं होता है। फिर क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी। अरे भैया गलती कहां पर है देखो ना, 10 लाख पता है आपको? 10 लाख है उसकी कीमत, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी कीमत 10 लाख रुपए। एक बच्चा है हमारे पास, उसका नाम हमने 10 लक्ष रखा है, दश पुत्र वैसे 10 लक्ष। क्यों हुआ? अकल नहीं है। हम कहते रहे मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न नहीं है, पिछड़ा हुआ मेडिसिन है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे? पेशेंट पिछोड़ी का आया, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा? मैं आहार परीक्षण करूँगा, अग्नि परीक्षण करूँगा, आँखों पर दोष देखूँगा, दोष देखूँगा, उनकी चिकित्सा करूँगा, अपने आप प्रेगनेंसी आ जाती है। आती ही है,
हो जाए, क्या करना है, गलती कहाँ हो रही, पक्का आइंदा गलती नहीं करेंगे, वही आतहारा प्रसाद है। इस बात को मैंने जब दिल्ली की इंस्टीट्यूट आए, इंडिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वहाँ पढ़ाया मैंने, सब मेरे चेहरे को देखने लगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, क्या बता रहा है, ऐसा कहीं होता है क्या? मैंने ठीक है मत विश्वास मत रखो, लेकिन आप मुझे ये बोलो आपकी उम्र कितनी है, ठीक है वैसे तो आपको हार्मोनल इंजेक्शन शुरू में दिए थे कभी पैदाइशी एट द एज ऑफ 12, वो हार्मोन कहाँ से आया, शरीर में था, शरीर में था इसका मतलब सिस्टम है उसकी है। फिर अब पैदा क्यों नहीं हो रहा, डेफिशिएंसी क्यों हो रहे, आप खाना तो खा रहे, या ऐसा कुछ है कि आप अलग खा रहे हैं, आपकी मम्मी अलग खा रहे, ऐसा तो नहीं ना, फिर क्यों नहीं हो रहा आप में, कोई उत्तर नहीं है, मैं मतलब उत्तर ये है, समझिए इतना सुंदर शास्त्र है इसकी मिट्टी बना रहे आप, 50 बना रहे कचरा, समझे नहीं, पकवा रहा रस्सा दे, यदि इंसुलिन नहीं बन रहा है तो पैंक्रियास है लेकिन वो काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही है, आपका रसदाब तो ठीक नहीं हो रहा, जिस प्रकार का होना चाहिए नहीं हो रहा, फिर आप सब नहीं हो रहा, फिर उसका परिणाम नहीं हो रहा, शरीर चरक शरीर पेज नंबर 332 परिणमतः तू, मैं क्या क्षण बोलूं, परिणमतः परिणम परि उपसर्ग है, नमो धातु है, नम इसका अर्थ है पाचन, बदल फॉर्मेशन उत्पत्ति, उसमें न है, र आने से उसका न बनता है, नियम याद है आपको, कठोर व्यंजन आता है तो उसके बाद न का न होता है, परि नम नी धातु है, नी का नय होता है, उसमें विकरण यह लगता है, नमयति धातु के गण है तो बदलते हैं, तो ये परिनमन ये परिणत परिनय ये शब्द है परिवर्तन, और इस शब्द को परिणमति ये क्रियापद बन गया, परिणमति यानी परिणाम देता है, परिणाम निर्माण करता है, उसका ती निकाल दिया और उसको हलंत न लगा लिया, परिणम तो ती की जगह न लगा दिया, परिणमन हलंत न बन गया, इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
और वो चलता है गच्छन गच्छन दो गच्छनता हा परिणमता हा, यानी प्रोसेस कैसी है, इन कंटिन्यूएशन है। आया ध्यान में, परिणमता शब्द का अर्थ है आहार का परिणमन हो रहा है उस समय परिणमता हा। परिणमः तु पढ़ू हाँ। परिणमः तु आहारस्य गुणाः शरीर गुण भावम् आपद्यन्ते। शरीर गुण भावम् परिणमन होते समय आहार पंचभौतिक अपने आहार लिया है, शरीर भावम् आपद्यते यानी आपको आहार से यदि रस बनना है तो वो परिणमन के साथ परिणमन के कारण रस बनता है। आपको जो रक्त बनाना है तो परिणमन से उसका रक्त बनता है। इस प्रकार जितने ज्ञात धातु है वहां तक तो आ गए आप, स्नायु तक आ गए, कंडरा तक आ गए, इंद्रियों तक आ गए। इंद्रियों के मध्य इंद्रियों का पोषण होता है, शरीर में इंद्रिया है उनका पोषण होता है, शिरस्थ है। इन सभी भावों का पोषण कौन करता है, ये आहार का परिणमन होते होते उन भावों को आते हैं, यानी पार्थिव अंश आपका आप जो लेते हैं उससे घ्राणेन्द्रिय बनता है, उसका पोषण होता है। आप जो वायवीय लेते हैं उससे स्पर्शनेन्द्रिय का पोषण होता है, अग्नि लेते हैं उसका पित्त का पोषण करता है और रक्त का पोषण करता है। इस प्रकार उस भाव को आहार जाता है, पार्थिव का पोषण करता है। इस प्रकार ये आहार शरीर के हर भाव का पोषण करता है। अश्रु आ रहा है आपकी आंखों में, उनका पोषण उन भाव को आता है, आहार आपका अश्रु भाव को आता है। आपके आंखों में जो फ्लूइड है क्या कहते हैं उसको, आंख में फ्लूइड होता है उसका नाम है कुछ, कोई अभी याद नहीं आ रहा, विट्रस विट्रस क्या, आपको इंजेक्शन दिया किसी ने, चलो विट्रस डाल दिया किसी, ऐसा ही हुआ ना, आंख बनाते हैं देखो लेस डाल रहे हैं आपको आंख में, लेस बना के डाल रहे हैं, ऐसा किया नहीं। परिणाम होता है आहार तत्त भाव पद्य थे, आहार आपका उस भाव को आता है, राइट। किस किस भाव को आता है, जितने भाव शरीर में है उतने भाव में आता है। बीज बनता है तो बीज भाव के बीज भाव को भी आता है, यानी यदि आपको गर्भाशय बनाना है तो गर्भाशय का अंश तक वहां ये पहुंचता है जब बीज बनता है, तो यदि आपको ओहरी बनाना है तो ओहरी तक ये पहुंचता है बीज के, बीज बनते समय बीजों तक बीज एक बीज है उसमें आपका गर्भाशय है उसमें ओहरी है, उनका पोषण भी बीज का वो भी करता है, क्यों बीज तो बाहर से नहीं आता है ना, शरीर में क्या होता है ना, वो भाव को भी आहार आता है रस जाता है। इसमें हर गुण आ गया, सब आ गए, जितने भी सिक्रेशंस है क्या कहते तू डक्टलेट्स ग्लैंड्स ये सब इसमें परिणमित होते हैं, आहार परिणमित होता है। शरीर में जितने भाव है उतने भाव निर्माण होते हैं, किससे होते हैं, आहार से होते हैं, राइट। आगे बढ़ो, परिणमत आहार हाँ गुणा शरीरम गुणम भावम आपद्यते यथा स्वम अविरुद्ध, यथा स्वम अपने अपने भाव को आते हैं। यदि आहार रस सूक्ष्म बन गया तो उस आहार रस से आपके इंद्रिय बनेंगे, उस आहार रस से आपके शरीर के हर अवयव बनेंगे, उसका पोषण होगा, शरीर में अश्रु बनेंगे, विट्रियस बनेगा, हार्मोन्स बनेंगे, कैल्शियम बनेगा, फॉलिक एसिड बनेगा, B12 बनेगा, विटामिन ई बनेगा, ए बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, किससे बनेगा,
आहार से बनेगा, यथास्व बनेगा अपने अपने अणु से, राइट। अब ये जो इतना लिखा है ना अग्निवेश ने, बिना अक्कल की, बिना अभ्यास किए, बिना अनुभव किए लिखा है, नहीं क्या वो बोल नहीं सकते, बेवकूफ था लिख दिया, राइट। इसके आगे एक शब्द है वो पढ़ो, अविरुद्ध विरुद्धश्च विहीनी। अच्छा हाँ, यथास्वम अविरुद्ध, अविरुद्ध ये अविरुद्ध है यानी धातु प्रदोषक नहीं है ये। आप तो आहार जो बना है, आहार रस जो बना है वो कैसा बना है, वो धातु प्रदोषक नहीं बना है, वो धातु पोषक बना है। यानी कैसे बना है, परम सूक्ष्म बना है। कैसे बना है, परम सूक्ष्म। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय शोणित वर्णन नहीं आ गया, इतना कब लिख पाऊंगा मैं, संभव है लिखना, संभव है इतना किताब लिखोगे तो कितना बड़ा होगा, आई नहीं पूरेगी मेरी, शोणित वर्णन नहीं आ गया। शोणित वर्णनीय सूत्रस्थ टिप कर रहे हैं आप, एक फिर नहीं मिलेगा, एक दिन मिलता है वो दूसरे दिन नहीं मिलता है, एक दोबारा नहीं मिलता है उस दिन, एक दिन वो तीसरा श्लोक तत्र पांचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधवीर्यस्य अष्टविधवीर्यस्य वा अनेकगुणस्य आहार का वर्णन, इतना आहार हम खा रहे हैं आगे, वा अनेकगुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य आहारस्य षष्ठी आहार का सम्यक परिणतस्य, क्या लिखा है सम्यक परिणत, कैसा परम अत्यंत सुंदर परिणाम हुआ है। यहा तेजो भूतः सारः परम सूक्ष्मः परम सूक्ष्मः, ये कैसे बनना चाहिए, परम सूक्ष्म बनना चाहिए जी, ये परम सूक्ष्म से यदि ऊपर बन गया, एक मिलीमीटर भी ऊपर रह गया तो शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होता, और अब्सॉर्ब हुआ तो भी सूक्ष्म स्रोतों में नहीं जाता, फिर आपके सूक्ष्म अवयव का पोषण बंद हो जाता है। इस बात को मॉडर्न मेडिसिन थिन लेयर कहते हैं, ये प्रोटीन का थिन लेयर बन गया इसलिए इंसुलिन एंटर नहीं कर रहा, फॉरेन प्रोटीन इंसुलिन पेनिट्रेट क्यों नहीं कर रहा सेल में, इंसुलिन तैयार हो रहा लेकिन वो पेनिट्रेट नहीं हो रहा सेल में, क्यों नहीं हो रहा, फॉरेन प्रोटीन आ गया उस पर, लेयर आ गया। किसका लेयर आ गया, लेयर नहीं आया, इस आहार रस वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, क्यों, ये परम सूक्ष्म नहीं बना है, इतना सूक्ष्म बनना चाहिए कि वो केशिकाओं में भी जाना चाहिए, माइक्रो 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 में भी जाना चाहिए, पता कल्पना करिए कि हर व्यक्ति का बीज कितना माइक्रो होगा, कितना माइक्रो होगा, एक वर्ड का बीज बनता है, इसमें इतना बड़ा वृक्ष है, इसमें सबकी सभी वृक्ष के अवयव थोड़े थोड़े छोटे छोटे कितने माइक्रो होंगे, अब इनके स्रोतस कितने माइक्रो होंगे, राइट। तो आपका आहार कैसा बनना चाहिए, इतना माइक्रो 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 बनना चाहिए, तब जाकर पोषण करने में समर्थ होगा, वो स्थूल बन गया तो जाएगा नहीं, वहाँ हो गया फिर जाएगा नहीं तो कहाँ करेगा, नीचे पूछे कहीं ना कहीं रुक जाएगा, हो गया
हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल, और इधर क्या हो गया, सूखने लग गया, क्यों सूक्ष्म नहीं बना, जहां तक गया वहां रुक गया, बाकी है सब सूखने लगा है, क्या करोगे आप? अग्नि अच्छा करोगे, आहार कैसे बनना चाहिए, अविरुद्ध बने, अविरुद्ध कल्पना यह है, ये विरुद्ध बन गया, कौन सा जो बन रहा है वो विरुद्ध, पोषण नहीं कर रहा, बाल झड़ रहे, नए बाल नहीं आ रहे, इतने इतने बाल गिर रहे हैं, क्यों कैल्शियम कम पड़ रहा है, नहीं अविरुद्ध नहीं विरुद्ध है, विरुद्ध किसको कहते हैं, जो धातु प्रदूषक है, अविरुद्ध यानी परम सूक्ष्म दोष विरहित, अविरुद्ध शब्द कितना महत्व का ध्यान में आपके, बड़ी तो अविरुद्ध परम सूक्ष्म आहार जो दोष विरहित है, विधि पूर्वक निर्मित है, विरुद्धाशन किया नहीं है, अध्यशन किया नहीं है, समशन किया नहीं है, विषमाशन किया नहीं है, मात्रा में खाया है तो ये बनेगा, और यदि इनका पालन नहीं करोगे तो अगला बनेगा, पढ़ो अगला क्या है, विरुद्धाश्च, विरुद्धाश्च हन्युः, ये सबका नाश करेगा आपका, विहन्युः, विहन्युः वहताश्च, विहन्युः विहन्युः विहताश्च, विहताश्च विरोधी भी शरीरम, आप यदि आहार रस को बाधा करेंगे तो विरुद्ध बनेगा और उससे आपका शरीर बेहत होगा, बाल झड़ेंगे, सफेद होंगे, बुढ़ापा जल्दी आएगा, इंसुलिन एब्सॉर्ब नहीं होगा, पेनिटेट नहीं होगा, जितने भी आवश्यक भाव है धीरे धीरे बनना बंद हो जाएगा, फिर बीट्वेल नहीं बनेगा, फिर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर कैल्शियम का ये पोरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, जिम्मेदार आप हैं, कैल्शियम तो हम रोज खा रहे हैं, दूध पी रहे रोज, फिर भी नहीं कैल्शियम, फिर भी ये है ऑस्टियोपोरोसिस है, खरीफ खा रहे, बादाम खा रहे, काजू खा रहे, फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस है, फिर भी फ्रैक्चर होता है, गिर गए थोड़ा थोड़ा, क्यों इतना खा रहा है वो कैल्शियम, फिर भी वो कच्चे हो रहा, विरुद्धाश्च हन्यु हो, विरुद्ध शब्द का समझिए, अविरुद्ध सम सम भाव अपने अपने भाव को आता है, और विरुद्ध उन भावों का उत्पन्न नहीं करेंगे, आयु बल बल ह्रास होगा, राइट, कहाँ से कहाँ आए हम लोग, अजीर्ण से यहाँ पर आए हम, इतना ये विस्तार है किसका, आव प्रदोष का, ये नहीं समझ में आया तो आयुर्वेद कुछ नहीं समझा, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, पैसे कमा रहे हो, बिल्डिंग बांध रहे हो, कार खरीद रहे हो, एक के दो दवाखाने बन रहे हो, और हॉस्पिटल बना रहे हो, आईपीडी बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, ये नहीं समझा, ये समझा तो कम से कम खर्चे में आप पेशेंट को ट्रीट करोगे, कम से कम खर्चों में, चलो अपना मूल श्लोक चरक 15, चिकित्सा स्थान 15, विरुद्ध समझ गए, विरुद्ध शब्द पर भाषण सरकार ये भाष्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, वो ट्रांसलेट करेंगे, विरुद्ध लिख देंगे, अविरुद्ध लिख देंगे, ये विरुद्ध है,
तो जनेर अमयान बहुन हो गया। इसलिए मैं क्या कह रहा था कि आपको परीक्षा किसकी करनी है, अपदोष क्यों हो रहा है, हो रहा है या नहीं, हो रहा है या नहीं, हो रहा तो क्यों हो रहा है, राइट। तो अपने आजीवन कनेक्शन पे देख लिए। अब अष्टम हृदय कर रहे आम के लक्षण दिए हैं, श्रोतोरोध बल भ्रंश गौरव नीलमूलता। कहाँ पर है वो, मुझे भी याद नहीं है। श्रोतोरोध बल भ्रंश गौरव नीलमूलता आलस्यापत्ति निश्चित बल संसार क्रमाः। कहाँ पर है, दोषोपक्रमणीय तेरा सूत्र स्थान तेरा श्लोक नंबर 23। स्रोतो रोध बल भ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य पक्ति निष्ठी पक्ति आलस्य अपक्ति निष्ठीव मल संग अरुचि क्लमः लिंगम मलानाम सामानाम निरामानाम विपर्ययः। ये लक्षण भी आपको देखने हैं, ये मिलते हैं। श्रोतोरोध मिलता है, कैसे समझना श्रोतोरोध है कि नहीं, व्याधि हुआ इसका मतलब क्या हुआ, संग है, इसका मतलब श्रोतोरोध हुआ है। संग यानी रुकना, चिपकना, कहाँ चिपके, श्रोतस में संग हो गया। बल भ्रंश खाना खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, लेकिन ताकत नहीं आ रही है, क्यों, जो खाना खा रहे है उसका परिणमन नहीं हो रहा है, रस धातु अपक्व हो गया है और ये पोषण नहीं कर रहा है, फिर रस नहीं बनता, रक्त नहीं बनता, मांस नहीं बनता, मेद नहीं, मेद बनता है, मज्जा नहीं बनती, शुक्र नहीं बनता, परिणाम बल भ्रंश। अश्नतों की बलक्षया खाते हुए भी ऐसा है कि वह कोई ताकत ही नहीं है, ये बल भ्रंश है। गौरव थोड़ा सा खा लिया, शरीर इतना भारी हो गया कि बस काम करने की इच्छा नहीं है। अनुभव किया है कभी, सुबह उठने की इच्छा होती है, नहीं होती है ना, ये गौरव है, यह आलस्य है, अजीर्ण है, अमुक दोष है। सुबह यदि अपने आप नींद नहीं खुलती है तो क्या समझना है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो मात्रा गलत हो रही है, या तो व्यायाम कम पड़ रहा है, या तो अपचार हो रहा है, अमुपदोष हो रहा है। श्रोतोरोध बल भ्रंश गौरव और अनिल मूढ़ता, श्रोतोरोध हो रहा है कहीं ना कहीं, केवल पक्वाशय में नहीं, शरीर में कहीं ना कहीं श्रोतोरोध हो रहा है, पोषण नहीं हो रहा, केश झड़ रहे हैं, क्या हो रहा, पोषण नहीं हो रहा, अनिल मूढ़ता, ज्ञान वायु की गति बंद है, इसलिए
केशों का पोषण नहीं हो रहा, अनिल मूढ़ता। आगे आलस्य आलस्य अपक्ति निष्ठीव अपक्ति, कल मैंने अपक्ति बताया आपको, अभिपाक और अपक्ति एक ही है, परिणाम गतिमान है, पूरा नहीं हो रहा, समय लग रहा है, ये अपक्ति है। आगे निष्ठीव मल संग अरुचि क्लमः, बार बार निष्ठीवन हो रहा है, बलगम आ रहा है, थूक आ रही है, निष्ठीव। ओके अरुचि क्लमः, अरुचि है, भोजन में रुचि नहीं है और शरीर बिना परिश्रम किए थक गया है, न धूप में घूमे हैं, न व्यायाम किया है, न परिश्रम किया, लेकिन शरीर थक गया, श्रम। ओके लिंगम मलानाम सामानाम, ये सामलिंग है, और जब आप एक उपवास दोगे 4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, 10 घंटे का, पेशेंट का ये सब ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कम से कम 2 दिन का, कभी किसी को 2 दिन का उपवास लगता है, किसी को 3 घंटे का उपवास होता है, किसी को 2 घंटे का उपवास होता है, सब लक्षण चले जाते हैं। इतने ही नहीं, जो वेदना जो जो डिशीज था वो भी कम हो जाता है, तो आपको इन लक्षणों के आधार पर अंदाजा जाता है कि सावत दोष है। और यदि आप दोष के लक्षण मिलते हैं तो देखना है अजीर्ण के लक्षण भी होने चाहिए, उनसे विष्टम्ब सदन गौरव पृष्ठशूल कटेशूल जुरुम्बा अंगमर्द ज्वर प्रवाहन। पेशेंट आपको ये बताएगा, क्या भूख नहीं लग रही है, वजन भारी लग रहा है, थक जा रहा हूँ, ताकत नहीं है, निकलो। अर्थ क्या हुआ उसका, शरीर में सामल दोष है। अब देखो क्या देखोगे, अजीर्ण लक्षण है क्या, आहार का परिणमन ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, वो देख लिया, अब क्या देखोगे, अपचार है, बंद करो, अपचार से बंद करने से ठीक होगा, आराम ठीक है, नहीं हुआ तो अग्नि मंद है क्या, अग्नि मंद है चिकित्सा करो। में किसी भी पेशेंट को आने के बाद प्रायोरिटी क्या है आपकी, इतनी है, ये करते हो या नहीं करते हो, आया पेशेंट क्या है, परिपत्ति कर शुरू, लोध्रास नाक केशर शरीर चरक शरीर शरक विमान 8 शरीर शरीर 8 25-26 पेज नंबर 345 श्लोक नंबर 25-26। अब ये श्लोक पढ़ के मुझे आप बताओ क्या लिखा है। यस्यः पुनः आमान्वयात्
पुष्प दर्शनम स्यात्। अर्थ समझ में आया? यस्याः स्त्रीलिंग शब्द है स्त्री के लिए, यस्याः यस्य पुल्लिंग, यस्याः स्त्रीलिंग, यस्याः षष्ठी एक वचन। आगे पुनः आमान वयात, पुनः आमान वयात, आमान वयात का अर्थ समझ गए, आम अन्वय, आम अम प्रदोष, अन्वय जोड़ कंटिन्यूटी। पुष्प दर्शन सात यानी पुष्प दर्शन किसको कहते हैं? अर्थव दर्शन को कहते हैं, बराबर। प्रायः तस्य तस्याः तद गर्भ उपघातकरं भवति। ये आमान्वय गर्भ उपघातकर है। अब यह आमान्वय का लक्षण क्या है? पुष्प दर्शन आया था हमने, पुष्प दर्शन गर्भावस्था में ये लक्षण किसका है? किसका है? सुनते हैं कहाँ तक जा रहे, देखते हैं कोई गर्भाशय निकाल ला लो, नॉन स्पेसिफिक ब्लीडिंग, बार बार है गर्भस्राव हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, गर्भस्राव कहते हैं या गर्भपात कहते हैं? श्राप पहले होगा। इसका कारण क्या है? आमान्वय है। पता है किसी को? गायनकोश को पता है? आयुर्वेद गायनकोश को पता है? नहीं ना? हम नहीं पढ़ेंगे, चरक नहीं पढ़ेंगे। गर्भोपघात कर है आमान्वय। ये अविरुद्ध नहीं है, विरुद्ध है। क्या है, किसको मार्क कर रहे हैं? सर टीका है ना, क्या है? विरुद्ध उपक्रमत्वादिति गर्भस्रावे हि स्तंभनम कर्तव्यम तच्च शीतम मृदु मधुरम च तच्च आम विरुद्धम आमजनकत्वात् इति विरुद्ध उपक्रम। ये किसी को पता नहीं है, क्यों पढ़ते नहीं हम लोग? बिना शास्त्र पढ़े हमको डिग्री चाहिए, तो कहाँ संबंध आया? गृहिणी क्या कहती है? रसादिजान संगतम सुष्ट की व्याधि होगी, वो अर्थव आता है उसमें। ये अर्थव में गया तो क्या होगा? पुष्प दर्शन गर्भ तो होगा, एक सगर्भ अवस्था है तो गर्भस्राव होगा। इसको नाम कुछ भी दो आप, क्या कहते हैं वो कुछ बढ़ गया बोलते, कोई तो उसका ये है कोई टॉक्सिन, कोई क्या कहते हैं उसको, कोई टॉक्सिन ही कहते हैं। गर्भपात होता है हर साल, गर्भपात एक महीने का होता है, फिर दो महीने का होता है, फिर अगली बार चार महीने का होता है, ऐसी कोई है एप्लोडॉक्सिन या कुछ ऐसे कुछ है, ऐसे हर महीने में पहले पहले पहला गर्भस्राव एक महीने के बाद, दूसरा बच्चा रहा दो महीने के बाद, इसको ये आमान्वय है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। अपना को क्या कहते हैं? प्लास्मोटॉक्सोसिस। उनको कहने दो प्लास्मोटॉक्सोसिस, हम क्या करेंगे? इतना अच्छा शास्त्र है,
नहीं समझ पा रहे हैं। बस यही मतलब आज कुछ पूछना तो पूछो। समझ में कितना करना है, कितना पढ़ाना है आपको, पढ़ाना है। ये चरक में इतने श्लोक है, इतनी टिकाए है, जरूरत नहीं है। संहिता पढ़ाए तो ये पढ़ा, कोई नहीं पढ़ाता, पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ाता। ये आपको पढ़ाना है, एमडी के बच्चों को इतना पूरा पढ़ाना है, एमडी की टीम को संहिता पढ़ानी है तो इस ढंग से पढ़ानी है। पढ़ लो, तुम तुम्हारा पढ़ लो, परीक्षा दे दो, पास हो जाओ, चलेगा ना, डिग्री दे दो, क्या फर्क पड़ता। और हम क्या पढ़ाएंगे फिर, वही पढ़ाएंगे जो हमको टीचर ने पढ़ाया है। टीचर ने क्या पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, हम भी नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़ लो। और हम क्या करेंगे, महीने की शादी करके घर जाएंगे, लाख डेढ़ लाख दो लाख, चलो ठीक है। क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया।